गुरु प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों कहते ने दंद गए स्वाद गया, अखा गई जहान गया। ये वाकई ही सही गल है। भावें कि मैडिकल साइंस के विच बहुत सारे ट्रीटमेंट ने, नकली दंद भी लगाए जाते हैं, पर खान का जो स्वाद असली दंदा दे नाल, अपने दंदा दे नाल हुंदा है, वो शायद सानू कदे भी नहीं आ सकता। असी अपने दंदा की संभाल किवें कर सकते हैं, इस दे संबंध विच अज असी गुफ्तगू करन जा रहे हैं डॉक्टर संजीव कंबोज दे नाल। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू मैम, तुसी आपदे चैनल ते सानू आउण दा मौका दिता और आपां अपने दंदा की सांभ संभाल किदां कर सकते हैं उनके बारे भी आप अपने विचार सांझे करांगे। जी सर, सब तो पहला तो यह दसो कि क्या चाहता है कि मिठा खाने दे नाल दंद खराब हो जाते हैं, इस विच किन्नी को सच्चाई है? इस विच सच्चाई कुछ हद तक हैगी है और कुछ हद तक नहीं भी है। एक्चुअली की होंगे, मिठा खाने नाल दंद तो नहीं खराब होंगे, बट मिठा की होंगे है दंदा के उपर जो एक परत बना लैंदा, चिप जाता है, जो चिपेगा और उपर उन्दे ही कोई दूसरे खाने के पदार्थ होंगे ने वह भी चिपक जाएंगे, और जो सारा कीड़ा जो आप कीड़ा कहने है दंद गल जाते सड़ जाते हैं, वह सारा जो दंद की सतह के उपर कचरा या खाना अपने जमदा हैगा उनकी वजह नाल लगता है, और मिठा एक कारण हैगा। कह सकते मिठा नहीं कीड़ा करता है, मिठे की वजह नाल हो सकता है जी। ठीक है, एक तरह का सेकेंडरी जो रोल हैगा वह प्ले करता है जी। और जो खाना हैगा वह जो प्राइमरी मेन जो हैगा रोल सारा खाने का हैगा जी। सर ब्रश किवें किया जा सकता है, क्योंकि कहते हैं कि ब्रश भी सही करना जो है वह बहुत जरूरी होंदा है, तो दिन में कितनी बारी सानू ब्रश करना चाहिए? जो ब्रश हैगा मेनली ब्रश भी लगभग तीन टाइप का आउंदा हैगा, एक जिंदे ब्रिसल जे दंदे आपां कहने हैगे ओह बहुत हार्ड हुंदे ने, एक मीडियम हुंदे आ ते एक अल्ट्रा सॉफ्ट जे आपां सॉफ्ट कह दिंदे हैगे। की हुंदा जदों आपां यंग एज विच अपने दंद स्ट्रोंग हुंदे ने, मसूड़े भी हैल्थी हुंदे ने, ते आपां हार्ड ब्रश भी अपने दंदों सह लैंदे ने। ठीक है, और कई बार की होंदा आपां नूं ब्रशिंग जिदा एक्सैसिव ब्रशिंग करदे, कई बंदे पाई 10-10 मिनट जां दातन एक्सट्रा आपां रगड़दे हैगे आ, जिन्हां दी वजह नाल दंदां दी परत जो उड जांदी है, जो आपां बीमारियां नूं एक सद्दा दे रहे हैं, तो ब्रशिंग 2-3 मिनट इनफ हैगी है। हो सके तो जिन्ना सॉफ्ट ब्रशिज आपां उन्हां नूं यूज़ करिए, वधिया क्वालिटी के ब्रशिज करिए, क्योंकि 10-20 रुपए के आपां लालच के पिछे अपने दंदां नूं खराब कर लैंदे। और ब्रशिंग करन दा जो तरीका हैगा हो सके तो आपां खाने तो बाद करिए, क्योंकि ब्रशिंग का मेन ब्रशिंग किदा अपन बचाएगी वो खाना नहीं जमण देगा। अपना मेन की है अपना कीड़ा जो खाने तो लगना है, आप खाने तो ही बचा अपने दंदा वो ब्रशिंग नाल अपने आप की है सिर्फ बाहर तो ब्रश करांगे, आप अंदरली साइड तो आप ब्रश ही नहीं करना है। सो रेगुलरली ब्रश करना, इसलिए अगर ब्रश आप प्रोपर नहीं कर पाते, स्केलिंग 6 मंथ या आप एनुअली एक बार आप करवानी जरूरी है कि अपना उत्थे गंद ना फसे। तो ब्रशिंग और टूथपेस्ट भी मैटर करती है कि पेस्ट जिदा होंगे कुछ अब्रेसिव पार्टिकल ज़्यादा होंगे मंजन वगैरह वह भी मसूड़िया रगड़ते हैं। पेस्ट अच्छिया भी ने, IDA तो अपरूवड कई पेस्ट है ने, और सो मेनली की ब्रशिंग दे तरीका अपन ध्यान देना पैना ये चीज़ा ने। सर दंदा दी सड़न जिसनों असी आम भाषा दे विच कीड़ा कह देंदे आ, इस दे लगन दे की कारण हुंदे आ ते किवें असी अपने दंदा नूं कीड़ा लगन तो बचा सकते हैं? बिल्कुल, जो कीड़ा मैं पहले भी गया सी कि जो खाना फसना हुंदा वो मेन कारण हुंदा, कई बार दंद विंगे टेढ़े हुंदे हैगे उत्थे अपना ब्रश नहीं पहुँचेगा फिर खाना फसेगा। हाँ कुछ की हुंदा जिदा पानी के कारण फ्लोरसिस वगैरह हुंदी हैगी अपने पानिया विच, जो आपां नीचे दा ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं वह भी दंद की सतह नूं खोर देगा और उपर उत्थे फिर खाना फसेगा। ठीक है, तो कीड़े का जो ट्रीटमेंट की इनिशियल स्टेज तो जिदा कैंसर के 1, 2, 3 स्टेज होंदिया ने, जिन्ना आप इनिशियली बचा तो आप उदा ही सकते हैं, घरें तो आप बचा नहीं सकते, घरें सिर्फ ब्रशिंग मैथड हैगा, बट ब्रश नाल अगर कीड़ा एक बार लग गया तो आप नहीं उन्हों क्योर कर सकते, वो डेंटिस्ट को जाके आप कैविटी जिन्हों फिलिंग कराने है वो अपन जाके करवानी चाहिए, और जिदा वो नीचे जाता जाएगा कीड़ा नस तक या पलप तक पहुँचेगा वो दंद डैमेज होएगा, फिर RCT जाएगा उन्ना खर्चा वधेगा। सो रूटीनली तुहानू 6 मंथ या साल च एक बार आपका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, एक तो पैसा घट लगेगा, दर्दा घट होणगियां,
सो जिन्हों दंद नूं अगर पेन होगी मोस्टली वो आर सी टी ते जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और इसे दंदा का आप ट्रीटमेंट बचा सकते हैं, बट रूटीन चैकअप जरूरी है, जिदा आप हैल्थ ब्लड चैकअप कराते हैं और उन्होंने तो आप हम रूटीन च लिया रहे हैं, बट दो डेंटल का ट्रीटमेंट इंडिया में अजे भी लोग अवेयर उन्ने नहीं है जिन्ना कि बाहर कंट्रियां है। सर तुसी टेढ़े मेढे दंदा की गल की है, टेढ़े मेढे दंदा ठीक करने के लिए तार भी लगती है, वो सारा प्रोसैस की होंदा है, किन्ना को समा लगता है तो किन्ना को खर्चा आ जाता है? बिल्कुल, जो अपने तारां लगदियां ने टेढ़े मेढे इन्हां दी भी टाइप्स होंदियां ने, कोई अजकल जिद्दां मॉडर्न हो गया भी साड़ी तार दिखनी भी नहीं चाहिए, पहले स्टील कलर दी आउंदी हैगी है, सो ये प्रोसीजर है घट्टो घट साल डेढ़ साल दो साल ट्रीटमेंट इन्हां दा चलदा हैगा, ठीक है। उन्दे विच की हुंदा कई पिंडां च की हुंदे एवें तार दे दिंदे हैगे, सो इन्हां चीज़ों तो बचना चाहिए, तारां दा प्रोपर ट्रीटमेंट हुंदा, तारां कसियां जाणगियां, नई वायर पाई जाएगी, लास्ट मतलब बहुत चीज़ां हुंदियां ने, मतलब एक हो सके तो MDS ओरथो जो इन्हां दा स्पैशलिस्ट हुंदा हैगा उन्हां तो ही तारां दा ट्रीटमेंट करवाउणा चाहिए, कोस्ट इहदी लगभग मिनिमम 20,000 तो स्टार्ट हो जाती है, सो वो जिस रेंज तक आप करना चाहिए, और दंद मोस्टली कई बार दंद एक्सट्रैक्ट भी करने पैंदे है प्रोपर उन्होंने अलाइन करन लई, सो तारां दा ट्रीटमेंट, हाँ इन फ्यूचर तारां दे ट्रीटमेंट नाल की हुंदा हैगा जो विंगे टेढ़े दंद अगर वो सही हो जाएंगे उत्थे खाना नहीं फसेगा, जदों खाना नहीं फसेगा तो दंदा की लाइफ तकरीबन होर ज़्यादा वधेगी, नहीं तो टेढ़े मेढ़े दंदा विच एक एस्थेटिकली भी आपां सोहणे नहीं लगणे, उत्थे खाना फसेगा, कीड़ा लगेगा, दंद अपना खत्म हो जाएगा, सो तारां दा ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता हैगा, ना कि दिखण लई बल्कि अपने दंदा दे हैल्थी अगे चलाउण लई। हाँ जी सर, कईयां दंद बहुत सेंसिटिव होंगे आ, ठंडा गर्म उन्होंने दंदा नूं बहुत लगता है, इन्नी ज़्यादा सेंसिटिविटी क्यों हो जाती है, की कारण होंगे ने, तो जेकर ठंडा गर्म लग रहा है तो की उपाय होंदा है या कोई स्पेशल पेस्ट वगैरह होंगे किवें बचा सकते? हाँ बिल्कुल, जो सेंसिटिविटी ठंडा और गर्म इन्हां विच फर्क हैगा दंदा दे विच, ठंडा एक अलग चीज़ हैगी है, गर्म एक अलग चीज़ हैगी, ठीक है। जिहड़े दंद नूं अगर गर्म लगना चालू हो गया मतलब अपना कीड़ा पलप तक जां नस तक अपना पहुँच जाता हैगा, यही एक साडे डेंटिस्टी च एक मतलब एक साइन कहा जाता हैगा भी जिन्हों गर्म लगना चालू हो गया वह कीड़ा नस तक पहुँच जाएगा तो आर सी टी ट्रीटमेंट वो मंगेगा ही मंगेगा, ठीक है। और ठंडा सेंसिटिव अगर माइल्ड हैगी थोड़ी बहुत हैगी तो मसूड़ियां दी प्रॉब्लम भी आ सकती है, वही सारा की हैगा जो अपना खाना कचरा जो हैगा वह परत बना लैंदा जिन्हों आप कैलकुलस वगैरह कहते हैं, वह पहले मास नूं खोरेगा जिवें मास खोरा लग जाता पायरिया की प्रॉब्लम आती है, सो इन चीज़ों लिए सब तो जो माइल्ड सेंसिटिविटी हैगी है मसूड़ियां दे विचों ब्लड आउंदा हैगा, सब तो पहला की होंदा लोग सफाई नहीं करवाना चाहते, वह कहिंदे ने सफाई नाल दंद जो हैगे आ गिर जाते हैं, एक्चुअल सफाई ने दंद नहीं गिरने, पहले उनके उपर जो प्लाक कैलकुलस जमया होया वह एक तरह सीमेंट की लेयर बना लैंदा, वह आपां नूं तां लग रहा दंद स्ट्रोंग कर रहा बट अंदरों पूरा मसूड़ा जिहड़ा खोर ही चुकया हुंदा हैगा जिन्हों मास खोरा भी आपां कहिंदे आ, उहदे नाल की हुंदा उन्नी बोन जो हड्डी अपनी वह भी घस चुकी हुंदी है, सो रेगूलरली जो स्केलिंग हैगी है पैरिया तो बचने लई ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग गम्स का इको ही इलाज हैगा सफाई जिन्हों आपां स्केलिंग कहिंदे हैगे आ, वह भी अगर अच्छे डेंटिस्ट क्योंकि प्रोपर जो केयर दंदा की क्योंकि डेंटिस्ट नूं भी आपका काम जो हैगा ईमानदारी नाल पूरा मेहनत लानी पैंदी है दंदा ते तद जाके दंद जो हैगे बचदे हैगे, सो सेंसिटिविटी लई अगर पेस्ट भी आउंदियां कुछ हद तक, हाँ कई बार एक्सेसिव ब्रशिंग दस्सिया हैगा उहदे नाल भी आपां परत नूं उड़ा लैंदे हैगे आ, फ्लोरसिस आउंदी है प्रॉब्लम दंद खुर रहे हैगे ने, ठीक है माइल्ड कीड़ा जां आपां कह सकदे उह भी लग्गिया होवे तां भी सेंसिटिविटी हो सकती हैगी है, सो मेनली उही है ट्रीटमेंट तो इन्हों का जरूरी है रूटीन चैकअप जी। हाँ जी बाकी फिलिंग जो सेंसिटिविटी हैगी है कुछ कीड़ा केरियस हैगा फिलिंग करा सकते हैं, सो अलग अलग चीज़ा ट्रीटमेंट चलते रहेंगे ने। हाँ जी सर तुसी ब्लीडिंग की गल की कि मसूड़ियाँ तो खून आना शुरू हो जाता है कई बार, तो कई लोगों के मसूड़ियाँ च खून भी आता है तो कई मुँह में काफ़ी स्मैल आती है ब्रश करन के बावजूद भी, उसके की कारण होंगे? स्मैल दे एक तो अगर मुँह के कचरा गंदगी हैगा वो तो मेन रीज़न हैगा ही हैगा जो आप ब्रश ही नहीं प्रोपर करना है, हाँ कुछ अपने कई इंटस्टाइन या पेट की भी प्रॉब्लम होंगी कुछ हद तक, कुछ रात को जिदा कुछ चीज़ खा के जिदा अनियन वगैरह हो गया तो आप समझ सकते हैं, सो कंबीनेशन हैगा सब तो मेनली एक ही है दंदा दे मतलब अपने मुँह के कोई भी
गंदगी या कचरा नहीं रहना चाहिए, खाना भी फसया होया नहीं रहना चाहिए, आप टूथपिक वगैरह भी यूज़ कर सकते, फ्लोस यूज़ कर सकते हैं कि आप खाने बस कढ़ना है, ब्रश ही कल्ला अपने खाने साफ नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिदा जिते स्पेसिस घट है ने, सो इस चीज़ों का ध्यान रखना कि आप इंटरडेंटल एड्स आप वरत रहे हैं, एक्सट्रा जिन्या भी चीज़ा आप यूज़ कर सकते, माउथवाश भी अपने दंदा लिए बहुत जरूरी हो जाता, वह भी एक परत दंदा के उपर बना लैंदा है जो खाने कुछ घंटे तक वो चिपकन नहीं देगा, सो माउथवाश भी आप डेली रूटीन अपन यूज़ करना चाहिए। जी सर एक अकल की दाड़ होंगी है तो अक्सर असी सुनया है कि जो अकल की दाड़ आती है तो बहुत ज़्यादा पेन होंगी है या बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आ जाए हैं, पूछना चाहेंगे पहली गल तो यह कि अकल की दाड़ कि सारियां आती है, दूसरा कि ये किसी खास एज के अकल की दाड़ आती है, तो जे अकल की दाड़ आ रही है तो वह पेनफुल है तो उनका की ट्रीटमेंट है? बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली बंदा जो सारे दंद आ जाते हैं तो लास्ट टूथ होंदा हैगा, ठीक है, ये 20+ एज विच ही मोस्टली आंदा हैगा, इहदे विच की होंदा जो अपना ज़्यादा साइज जिन्ना बदना होंदा वध चुकिया होंदा बट दंदा नूं स्पेस नहीं मिल पाता, वो एक टेढ़ी मोस्टली निकल आउंदी हैगी है, ठीक है, और इहदा मेनली इन्हें आप तो यह घट खराब करना, इन्हें यह की होंदा जे अगे वाला दंद एक स्ट्रेट दंद पिया टेढ़ी पई है तो उत्थे कचरा या गंद फिर वह फसेगा, खाना फसेगा, जो खाना फसेगो अगले दंद नूं भी आप दे नाले खराब कर देगी, ठीक है, मेनली उस उही चीज़ आ, इहदा ट्रीटमेंट होना जरूरी हो जाता हैगा, अगर वो टेढ़ी हैगी है जां कुछ तंग कर रही हैगी है तो फिर इहनूं सर्जिकली एक्सट्रैक्ट मोस्टली किया जाता हैगा, तो अकल जाड़ भी मतलब अगले दंदा नूं बचाउण लई आपां फिर उस चीज़ ते भी आपां नूं ध्यान देना चाहिए कि इहनूं टाइम ते आपां कढ़वा सकीए, जरूरी नहीं है सब दे आउणी आउणी, कई नहीं भी आउंदी, हाँ जी बिल्कुल जी। सर डॉक्टर की पूरी कोशिश होंगी है कि जिहड़े दंद आ ओह बचा ले जान, ते दंदा नूं बचाउण दे लई किहड़े किहड़े मैडिकल साइंस विच ट्रीटमेंट हुंदे ने? दंदा नूं सब तो पहलां तां की है अपने लिए साफ सफाई जरूरी है, स्केलिंग तो आप स्टार्ट हो जाने, फिर कोई कीड़ा लग गया होएगा आपां दी फिलिंग आपां नूं जरूरी हो जाती हैगी, थर्ड की आ जाता है कोई दंद मतलब अगर कीड़ा एक्सैसिव हो गया ज़्यादा हो गया तो आपां नूं रूट कनाल ट्रीटमेंट RCT आपां कहिंदे हैगे, कई बार कहिंदे दंद नूं डेड भी करवा लिया मैं, ठीक है, रूट कनाल ट्रीटमेंट हो गया थर्ड, हाँ अगर रूट कनाल ट्रीटमेंट नाल भी नहीं बचेगा फिर उनकी एक्सट्रैक्शन होंगी है, जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उस तो बाद फिर दंद लगाउण दा प्रोसीजर चालू हो जाता है, कोई टंपरेरी कढ़न पाउण वाले दंद लगवा देंदे हैगे ने, कोई फिक्स कहिंदा फिक्स करवाउणे आ उहदे विच कोई कैपिंग ब्रिजिस चलदे ने, ठीक है, अजकल इम्पलांट्स भी आ चुके ने, सो अलग अलग चीज़ां हैगियां ने, वो जिद्दां कोस्ट बंदा होएगा, हाँ बट एक चीज़ां दा ध्यान रखना चाहिए, आपां इदां जिवें पिंडां च देसी जां क्वैक हुंदे ने मसाला लैंदे ने वो, ठीक है, वो मसूड़ियां दे उपर फिक्स कर देंदे ने, वो सो टोटली वो गलत है, मतलब एक जिन्हों कैंसर करने वाले पदार्थ होंगे ने वो एक तरीके नाल उन्दे विच होंगे ने जो आप मसूड़े के उपर सीधा ही लगा रहे हैं और उन्दे नाल नाल दे दंद भी अपने खराब हो जाते हैं, सो जरूरी है कि थोड़ी कोस्ट तो आपां थोड़ा झलना पएगा बट हाँ वधिया ट्रीटमेंट जरूरी है दंदा की क्योंकि मुँह तो ही अजकल कैंसर बहुत वध रहा हैगा, ठीक है, आपां आपदे 100-200-400 बचाउण दे पिछे आपां आपदी जिंदगी नूं, एक चीज़ मैं सब नूं कहिंदा पेशेंट नूं एक मैसेज भी दिंदा हुंदा जो भी मेरे कोल आउंदा हैगा, जो आप कहने भी हाँ यार वो कहेगा इन्नी इन्नी कोस्ट यार, ठीक है, बट मैं उन्होंने एक गल कहना भी यार आप एक मंथ में आप 2-4-5 हज़ार का खा जाते हैं, पूरी जिंदगी आप लखां का खा जाने हैं और खाने वाली चीज़ की अपना मुँह या दंद है जे आप उनका मतलब सौवा हिस्सा भी आप एक साल जिन्ना खाने उनका आप सौवा हिस्सा भी आपके दंदा ते लगा दिए ना, अपनी उंगल कट जे कुछ कट जे आप 1000 रुपया आप लाने हैं, ठीक है, बट दंदा की केयर करनी जरूरी हो जाती है, डेंटिस्ट्री का स्कोप चलो टाइम टू टाइम इनक्रीज तो हो रहा बट वह चीज़ा नहीं जो अपने विदेशों में है, विदेशों लोग इतने आते हैं क्योंकि केयर उन्होंने पता असं दंदा की केयर किमें करनी, आप कुछ बजुर्ग है दंद नहीं तद भी चलते रहेंगे, सो जरूरी है दंदा की केयर, जो दंदा की सामने तुहाडी गल सही है दंद गए स्वाद गए अखां गई जहान गई, सो दंदा की जो केयर हैगी है बहुत जरूरी है और अजकल बहुत अच्छिया जो जिदा एडवांसमेंट आ चुकी है दंद हर दंद नूं लगभग आप बचाया जा सकता, सो बहुत जरूरी ट्रीटमेंट दंदा का बहुत जरूरी ट्रीटमेंट। वाकई ही दोस्तों कि मैं यही सवाल पूछन ही लगी सी कि जेकर असी दंदा की संभाल नहीं करते या कोई समस्या आती है असी इग्नोर कर दें कोई गल नहीं फिर देख लवेंगे तो कि मेजर समस्या आ सकती है, तो डॉक्टर साहब ने पहला
ही इसका जवाब दे दिता है कि कैंसर वर्गिया समस्यावां भी अज के समय में इस करके बढ़ रही ने क्योंकि असं अपने दंदा वाल ध्यान ही नहीं दे रहे। असी होर सारे ट्रीटमेंट भी करवाने, असी वधिया जिंदगी जीन दे लई घूमन फिरन भी जाने, पर किते ना किते बिल्कुल सच्चाई है कि असं अपने दंदा नूं बिल्कुल इग्नोर कर दिंदे आ कि कोई गल नहीं फिर देख लांगे कटिया जाऊगा देखी जाएगी। तो दंदा की संभाल बहुत जरूरी है क्योंकि जेकर मेजर समस्या आती है फिर किते ना किते साड़ी मेडिकल साइंस भी जवाब दे दिंदी है। तो सर जाते जाते साड़े दर्शकों नूं की कहोगे? बस आपां मेरा तो इको ही सोच है जी। एक तो आपदा ईमानदारी नाल काम करो जी। ठीक है, और आपां नूं इस सोसाइटी ने बहुत कुछ दिता है, सो अपना भी फर्ज बनता कोई जे नीडी आए तो उनकी जिनी हैल्प हो सके। और असी हाँ जो मेरिया दो क्लीनिक्स चल रही ने दोनों ही चैरिटेबल ने जी। और उधम सिंह जी के नाम से असी उद्यम एनजीओ बनाई हुई है और उनका ही ये पार्ट ने साड़ी उद्यम एनजीओ लंडन भी एक टीम चल रही है। सो असी उद्यम डेंटल क्लीनिक दे नाम ते दो क्लीनिक्स एक अबोर है साड़ी अबोर दे नाल खुईया सरवर कस्बा पैंदा, दूजी चंडीगढ़ सैक्टर 42 जिथे आपां फिलहाल मौजूद हैगे हैं। सो दोनों ही असी चैरिटेबल क्योंकि लोगों नूं असी चैरिटी रेट ते जो बाजार नालों मतलब घट तो बिल्कुल हैगे ने क्योंकि हाफ दे इक्विवेलेंट तो जरूर होणगे मतलब तुसी हाफ भी ट्रीटमेंट करवाया ठीक है। तो जिन्ना भी हो सके मतलब साडा सोसाइटी लिए भी असी काम कर रहे हाँ असी क्वालिटी जो हैगी है वो नहीं घटा देंगे कोई भी आपका ट्रीटमेंट हैगा जी। सो असी क्वालिटी वर्क देईदा हैगा सारे MDS मैं खुद MDS हैगा जिन्हें भी साढ़े स्टाफ मैंबर होणगे इत्थे वीमन ओरथो दा तारां दा भी असी ट्रीटमेंट करांगे सब कुछ साढ़े कोल अवेलेबिलिटीज हैगियां ने ठीक है। पहला तो असी सोसाइटी लिए जो साड़ा मतलब वर्क हैगा फील्ड हैगा उन्दे लिए असी काम कर रहे हैं, साथ ही हर एक इंसान का फर्ज बनता हैगा कि सोसाइटी लिए होर भी किसी गरीब के इलाज लिए सोसाइटी संस्था जो ब्लड लिए अजकल डेंगू बहुत हैगा तो इवन मैं तो हर पेशेंट नूं भी नाल जोड़दा कि यार किसी की ब्लड लिए आप हैल्प कर पाइए कुछ कर पाइए। सो हर एक इंसान नूं इक्को मैसेज देना चाहुंदा मैं आपदे काम प्रति ईमानदार हो मैं सत्तों दिन आपका काम जरूर करदा कोई बिना ब्रेक तो ठीक है। कुछ दिन मैं अबोहर वाली क्लीनिक ते हुन्ना चंडीगढ़ वाली ते भी हुन्ना टाइम दिना नाल दी नाल डेली एक या दो घंटे मैं सोसाइटी लिए जिथे भी PGI 32 जिहड़े भी होस्पिटल जाना पे मेरी कोशिश होंदी किसी न किसी पेशेंट लई उन्हूं मैडिसिन प्रोवाइड करवाउणा। सो नाल नाल असी चैरिटी का जो वर्क हैगा वह भी साडा मेरा इक्को ही जो एम हैगा भी 365 दिन साल दे 365 मैं मरीजां दी जो हैल्प मतलब डेंटिस्टी तो इलावा मैं वो भी करनी हैगी राशन लई होगी रोटी लई होगी इलाज लई होगी डेड बॉडियां तक छड़वाउण लई होगी। सो साडी टीम कंटीन्यूसली वर्क कर रही है। सो मैसेज देना चाहूँगा आपदे काम दे नाल नाल सोसाइटी लई भी अपना फर्ज पाउंदा अपने आंढ गवांढ जो भी हैगा क्योंकि आपां नूं इस सोसाइटी विच विचरना जरूरी है जी। अगर सोसाइटी लई करांगे वो अपने लई अपने आप होणगे। सो इंसानियत दा एक मैसेज देना चाहुंदा कि इंसान नूं इंसानां लई और नाल नाल जो बेजुबान जानवर ने उन्होंने भी अपना स्टैंड लेना जरूरी है जी। वाकई ही डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी गल कही है। वैसे भी दोस्तों डॉक्टर नू रब दा दूजा रूप कहिंदे आ क्योंकि जदों इंसान दी कई बारी उम्मीद भी खत्म हो जाती है ना तो उस समय डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं। करोना के समय भी डॉक्टर्स ने अपनी परवाह ना किते बिना पेशेंट्स के लिए हर एक पल अपनी जिंदगी का दे दिता। तो डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर ने चंगा काम तय कर ही रहे ने पर इस दे नाल जो ये चंगा काम कर रहे हैं कि दिन च एक होर वधिया काम समाज के लिए करना ते जो ये चैरिटेबल इन्होंने अपने डेंटल क्लीनिक खोलिया होया है जिस विच इन्होंने दस्या है कि यह बहुत घट कीमत दे उत्ते जिहड़े कि नॉर्मल जो कीमत हुंदियां हैं बाहर ट्रीटमेंट दियां उस तो घट कीमत दे उत्ते लोगों के दंदा का इलाज कर रहे ने। सर तुहाडी सोच नूं सलाम है ते परमात्मा तुहानूं हमेशा चढ़दी कला विच रखे असीं इही अरदास करदे हां। ते अज दे इस विशेष प्रोग्राम दे विच इन्ना ही, फिर मिलांगे, धन्नवाद।